तमाशा.com के खास कार्यक्रम दे दनादन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश राठौर। आज हम आपसे बात करते हैं देश की वर्तमान राजनीतिक हालात के बारे में। दिल्ली चुनाव के बाद भाजपा पर लगातार सवाल दागे जा रहे हैं। अब कांग्रेस और विपक्षी दलों के अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी भाजपा पर सीधा हमला किया है, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कहीं न कहीं कटघरे में खड़ा किया है, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। संघ के मुखपत्र कहे जाने वाले ऑर्गेनाइजर में ये छपा है कि राष्ट्रवादी मुद्दे और केंद्र सरकार के इतना काम करने के बावजूद दिल्ली चुनाव में आखिर भाजपा को सफलता क्यों नहीं मिल पाई, आखिर वो क्या कारण थे, क्या राज्य स्तर के चुनाव में राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे काम नहीं कर पाए, क्या राज्य स्तर पर कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं ने काम नहीं किया। ऐसे सवाल जो उठाए हैं उससे लग रहा है कि कहीं न कहीं अब संघ मोदी और अमित शाह को ये बताने में लगा हुआ है कि ये पार्टी दो लोगों से नहीं चलेगी, बहुत सारे नए नेता खड़े करना होंगे, दूसरी लाइन तैयार करना होगी। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से लालकृष्ण आडवाणी को दरकिनार किया गया, उस तरह से अब संघ भाजपा के दूसरे नेताओं को भी दरकिनार करके नए चेहरों को मौका देने की फिर से बात करना चाहती है। संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में जो लिखा है उसका आशय ये भी है कि 2015 के बाद दिल्ली में सरकार बन गई, उसके बाद दूसरी बार और अधिक सफलता केंद्र में भाजपा को मिली, लेकिन कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं निराशा का भाव है। केंद्र सरकार में कार्यकर्ताओं की भागीदारी नहीं हो पाई। सैकड़ों ऐसे पद हैं जिन पर कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जा सकती है, लेकिन नहीं हो पाई। मोदी और अमित शाह की कार्यकर्ताओं से दूरी भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऑर्गेनाइजर में लिखे लेख का एक और इशारा महत्वपूर्ण यह है कि धारा 370, उसके बाद समान नागरिक संहिता, NCR और अन्य कानून लागू करने की बात करने के बावजूद क्या कारण है कि दिल्ली में पढ़े लिखे लोगों ने भी केंद्र सरकार के काम को महत्व न देकर अरविंद केजरीवाल पर भरोसा किया? क्या वाकई देश में राष्ट्रीयता के मुद्दों से उतना फर्क नहीं पड़ रहा? क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह सिर्फ केंद्र में सरकार बनाने में माहिर हैं? राज्यों में जो परिणाम पिछले 6 सालों में आए हैं उसके कारण मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब सहित कई 14 राज्य लगभग BJP के हाथ से निकलते गए, जो भारत के हिंदुस्तान में के नक्शे पर जो दृश्य दिखाई देता था उसमें लगभग 75% जगह केसरिया रंग था, अब वह कम होता जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? संघ की चेतावनी के बहुत सारे मायने हैं। वैसे संघ भाजपा और उसके नेताओं को कई बार आईना दिखाने का काम कर चुका है। दिल्ली चुनाव के बाद इस बात पर भी अब विचार किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं वहां पर पार्टी को क्या रणनीति अपनाना होगी। फिलहाल इतना ही काफी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को आईना दिखाने का काम संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने कर दिया है। अब हम देखते हैं आगे और कि क्या होता है भाजपा और संघ के रणनीति का हिस्सा, ताकि कुछ परिणाम बदलते हुए नजर आए। धन्यवाद। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।